सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज हम वही व्लॉग बनाने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज हम जाने हैं कृष्णगिरी नगरी, वृंदावन एंड मथुरा। तो चलिए चलते हैं ट्रेन स्टेशन पे। सो गाइस, अभी ट्रेन स्टेशन से आ चुके हैं होटल में। अभी होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर पूरा मथुरा एक्सप्लोर करेंगे। तो पूरे व्लॉग तो एंड देखना, बहुत मस्त व्लॉग है। We'll be right back.
सो गाइज, अगर आपको मेरा व्लॉग मथुरा एंड वृंदावन का देखने में मज़ा आया तो मैं आपको दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप इन दो बातों को बिना जाने मथुरा एंड वृंदावन चले जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहली बात, आप अपने चश्मे और अपने फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। तो जब मैं मथुरा एंड वृंदावन में व्लॉगिंग कर रहा था तो पूरी सेफ्टी के साथ कर रहा था, पूरा ग्रुप था मेरा, आसपास पूरे लोग थे 3-4, तो बंदर को कोई भी वो नहीं हुआ कि झलक नहीं पड़ी कि इसके पास फ़ोन है व्लॉगिंग के लिए। और आप अपने चश्मे का भी ध्यान रखें, चश्मे की जगह आप लेंस लेके जाएं। अगर आपका ज़्यादा ही हाई क्वालिटी का चश्मा है तो अगर आप चाहते हैं कि चश्मा मेरा बच जाए तो आप चश्मे की जगह लेंस ले सकते हैं, और व्लॉगिंग की जगह आप थोड़ी देर के लिए 2-3 फ़ोटो खींच सकते हैं, बाकी अपना फ़ोन नीचे ही रखें, क्योंकि बंदर आपको किसी भी हालत में नहीं देने वाला है। और अगर आपको अपना चश्मा और फ़ोन चाहिए तो बंदर को 2 फ्रूटी पिलानी पड़ेगी, तब भी कन्फर्म नहीं है कि आपका चश्मा और फ़ोन वापस मिल सके। और गाइस, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मथुरा एंड वृंदावन में स्टे करना चाहते हैं तो याद से धौली प्याऊ रोड पे, यहाँ पे आ रहा होगा, धौली प्याऊ रोड पे ही रुकें, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से होटल हैं, अच्छे अच्छे होटल हैं, से मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक हैं। आपका जितना बजट है आप रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छे बजट में है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन बुकिंग कभी ना करें, क्योंकि फ़ोटोज़ में कुछ और दिखाई जाती है, होटल आपको कुछ और मिल जाता है, फिर आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। खासकर टॉयलेट और बाथरूम्स का चक्कर होता है, क्योंकि कभी कभार फ़ोटो में तो अच्छे बाथरूम दिखाए जाते हैं क्लीन करके, और जब हम होटल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं होटल में, होटल में तो गंदे बाथरूम होते हैं, तो हमें लगता है ऑनलाइन बुकिंग बेकार ही गई। तो धौली प्याऊ रोड पे आप ऑनलाइन बुकिंग कभी ना करें, आप अपनी आंखों से देखें कि कैसा बाथरूम है, कैसे कमरे हैं, कैसे कितनी कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से और बजट के हिसाब से उस पर ले सकते हैं धौली प्याऊ रोड पे। सो गाइज, अगर आपको मेरा मथुरा एंड वृंदावन का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और वृंदावन में खासकर बंदरों के खतरे से तो फोटो मैंने खींची और व्लॉगिंग आपके लिए बनाई। तो इस व्लॉग को 2 बार तो ज़रूर देखिए, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप मथुरा एंड वृंदावन या आपका कोई फ्रेंड या रिश्तेदार जाना चाहता है तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वहाँ पर कहाँ कहाँ उनको घूमना है, कहाँ कहाँ पर जाना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कृष्णा कृष्णा।